हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी आज ना हमारी गाड़ी के साथ हो चुका है अभी एक कांड। क्या हुआ है? हुआ है पंचर, फर्स्ट पंचर हमारा लेफ्ट साइड का पीछे वाले चक्के पे। अभी गैरेज से जैसे ही गाड़ी निकाले ना, वीडियो शूट करने के लिए जा रहे थे, देखा कि पंचर हो गया। ये तो हो गया काम इसका, अभी तो एक कील लगा हुआ है, वो हमने देख लिया। जा रहे हैं अभी पेट्रोल पंप पे इसे ठीक कराने के लिए। देखते हैं अभी क्या होता है, क्या लगता है इसका। वैसे यार पंचर लग गया एक टायर पे। खैर ये सब का कुछ कह नहीं सकते हैं, कभी भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे यहाँ ना चेकिंग वेकिंग थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, रांची में हूँ तो अभी स्टार्ट हो गया है मास्क का चेकिंग फिर से, ये थर्ड वेव के कारण। तो लगा करके चलना, अभी तो मास्क नीचे किए हुए तो भयानक घूर रहे थे हमें तो बस इसे कराते हैं पेट्रोल पंप पे, ठीक है ना। देखते हैं क्या लगता है चार्ज। ये देखो भाई टायर का हाल, इस पे लगा है हमारा पहला पंचर। देखते आए यहाँ पंचर है पीछे वाला। क्या चार्ज है? 50 रुपये ये वाला। हाँ ये वाला। कांटी लगा हुआ था एक, देखिए। हाँ वही तो। यहाँ देखो पेट्रोल पंप पे कराने का फ़ायदा क्या है ना, अभी हम गए हुए थे एक लोकल शॉप पे, वहाँ पर बोला 80 रुपये पंचर का लेंगे और फिर टायर खोल के करेंगे, खोल के करने का 50 रुपये आपका। तो इसलिए हम सीधा यहाँ पेट्रोल पंप पे आ गए। यहाँ पेट्रोल पंप पे कोई टेंशन वेंशन नहीं, आराम से हो जा रहा है मस्त 50 रुपीज़ में। देखते हैं यहाँ से करा के, और ऊपर से नाइट्रोजन का फिलिंग भी हो जाएगा हमारा। वैसे देख लो टायर बहुत अच्छा खासा डब गया है यार। वही हम सुबह देखे, ये देखो हालत। और ये रहा कांटी, ये जो लगा है उसको दिखा रही है, देखो इसको तो रखेंगे घर पे संभाल करके, फर्स्ट पंचर का। काम हो गया है शुरू, ये नट निकाल रहे हैं वहाँ से जो लगा हुआ है। स्क्रू चला गया है, इसको तो रख ही रहेंगे अभी। ये देखो यही था। जोर लगा करके भैया अंदर डाल रहे हैं उसे। अब वो बात चेक करो। वहाँ में बकरे अभी तक हैं। अरे मालूम इसको रखो यहाँ। देखो वैसे इन तरह के पंचर्स होने का मेन कारण क्या है ना, कि हमने भी देखो गलती किया था अपने तरफ से, मतलब एक महीने से लगभग पक्का हमको देखो पता है, एक महीना हो ही गया था। और एक इससे पहले से था बिहार का एक ट्रिप किया था, उस टाइम से इस पे हवा हमने नहीं डलाया था, चेक ही नहीं किया था एयर। तो प्रेशर अगर कम रहता है टायर पे तब कील बहुत आसानी से घुस जाती है, और अगर प्रेशर सही रहेगा ना तो जल्दी नहीं जाता है कील। और किस्मत पे भी होता है, किस्मत ख़राब रहता है तो कील जाती है चलो यार कुछ ज़्यादा ही बिजी है। तो यही था हमारा एक्सपीरियंस। देखो अभी इससे पहले हम आए थे, अगर आप लोग जानते हैं तो ये विधानसभा, यहाँ पर भी एक पंचर के शॉप है साइड पे, यहाँ से हमने पूछा तो यहाँ 80 रुपीज़ तो पंचर का ही बोला सिर्फ, और उसके बाद अगला बोला टायर खोलना पड़ेगा उसका 50 रुपये लेंगे। तो हमने बोला, हमें पता था पेट्रोल पंप का रेट कम रहता है, तो हमने स्टार्ट किया गाड़ी, हवा था ही गाड़ी पे, ऐसे पंचर होने के बाद भी ना भाई सही अच्छा खासा चले जाती है गाड़ी, तो ट्यूबलेस का यही फ़ायदा है, अब कोई इशू नहीं आना चाहिए। जा रहे अब ये वीडियो ही शूट करने, थोड़ा आगे का दूसरा शूट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, यही था।
गाड़ी के साथ एक कांड हुआ था, छोटा सा पहला पंचर, ये छोटा सा नट जैसा है वो चला गया था अंदर, इसने बैंड बजा दिया।